हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी सेमी की सब्जी। ये देखिए सेमी, इसको साफ करके मैंने धो लिया है। इसके लिए चाहिए लहसुन, प्याज, मिर्ची और ये तीन टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है। देखिए कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी मिर्ची और प्याज, जीरा नहीं डालूंगी। जीरा के बदले में क्या डालूंगी ये सब्जी के बीच में बताऊंगी मैं। ये देखिए मैंने लहसुन, मिर्ची और प्याज डाल दिया है। इसको अच्छे भूनने रखती हूँ। जब भून जाएगा तब मैं इसमें सेमी डालूंगी। प्याज हो गया है देखिए, अब मैं इसमें सेमी डालूंगी। देखिए सेमी डाल के मैंने चम्मच चला लिया है। इसको मैं ढक दूंगी एक दो मिनट के लिए। बीच बीच में मैं ढक्कन निकाल के चम्मच चलाऊंगी, सेमी को ऊपर नीचे कर लूंगी। देखिए मेरी सेमी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी जो मैंने पका के रखा था। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि मैं सब्जी को थोड़ा रस वाला बनाऊंगी, एकदम सूखा नहीं बनाऊंगी मैं। अब इसको अच्छे से चम्मच चला देती हूँ। थोड़ा देर के लिए अब इसको मैं ढक दूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं हुरहुड़िया हमारे छत्तीसगढ़ में। इसको मैं तेल, थोड़ा तेल डालूंगी इसमें और इसको पकने दूंगी। जब तक ये थोड़ा चटकने लगे फिर मैं सब्जी में डाल दूंगी। इससे ना सेमी का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। इसको सेमी के सब्जी में ही डालते हैं, दूसरे सब्जी में नहीं डालते हैं। तो आइए बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको तेल में पका लिया है। अब इसको मैं इससे सेमी की सब्जी अच्छा और टेस्टी बनता है। देखिए मेरी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें मैं धनिया पत्ती डालूंगी। देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है। आप भी ऐसे टेस्टी सब्जी बनाइए और ये हुरहुड़िया का खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है सब्जी में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।